यूजिंग अपोनेंट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर। ये फिनोटिपिक फीचर को आपको जो है वर्कआउट करना है इन द फर्स्ट फाइनल जनरेशन आफ्टर अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल। इसमें आपको लेना है होमोजाइगस फीमेल और लेना है मेल जो होना चाहिए हेट्रोजाइगस होना चाहिए, हेट्रोजाइगस मेल और होमोजाइगस फीमेल को लेकर के क्रॉस कराना है यूजिंग फॉर सिंगल लोकस। सिंगल लोकस का मीन्स यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट को लेकर के कराना है। सिंगल लोकस ये दिया रहा है, सिंगल लोकस दिया रहेगा तो एक पेयर ऑफ ट्रेट लेंगे और टू या वन पेयर अगर लोकाई रहेगा तो उसमें दो को लेंगे, मतलब वन पेयर सॉरी टू पेयर। तो पूरे स्क्वायर से वर्कआउट करना है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। सपोज ये आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट कोट कलर का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट कोट कलर, तो ब्लैक कोट कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी ओके, और रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी स्मॉल बी। सॉरी जो ब्लैक को होगा ब्लैक को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल बी से, और व्हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है इसका फिनोटाइपिक फीचर फाइंड करना है जो ऑफ स्प्रिंग का फीचर। सो इन ब्लैक एंड व्हाइट कोट कलर द ब्लैक कलर और द फिनोटाइप ऑफ ब्लैक सॉरी जीनोटाइप ऑफ ब्लैक कलर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल बी बिकॉज ब्लैक कलर कोट कलर इज डोमिनेंट, व्हाइल द व्हाइट कोट कलर के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी स्मॉल बी। तो बात करते हैं यहाँ पे जो ये कंडीशन है होमोजाइगस ब्लैक कलर का ये सिचुएशन दिखा रहा है ओके तो ये होमोजाइगस का है, लेकिन और होमोजाइगस फीमेल ही चाहिए भी तो हम फीमेल को लेते हैं, फीमेल को लेंगे होमोजाइगस। तो मान लीजिए फीमेल होमोजाइगस ब्लैक है तो कैपिटल बी हो जाएगा, और हेट्रोजाइगस मेल हेट्रोजाइगस है तो मेल को हम ले लेंगे मान लीजिए कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा ओके इन मेल इट इज द कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये गैमेट फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे सिमिलर टाइप की गैमेट बनेंगे और यहाँ पे डी सिमिलर एक कैपिटल बी वाला गैमेट और एक स्मॉल बी वाला गैमेट। अब आप ओनेट स्क्वायर दिखाएंगे इसको तो ये पैरेंटल जनरेशन पैरेंट है, ये गैमेट्स हैं और एफ वन जब हम दिखाएंगे इन एफ वन ओनेट स्क्वायर को हम बना करके इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ओनेट स्क्वायर में आप देखेंगे क्या ये सपोज मेल को यहाँ पे दिखा रहे हैं तो मेल वाला का कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे फीमेल का दिखा दे रहे हैं कैपिटल बी कैपिटल बी। तो इस तरह से होमोजाइगस ये जो होगा कैपिटल बी होगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, फिर ये जो है कैपिटल बी होगा और फिर ये कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। मीन्स होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो रेशियो होगा यहाँ पे कोई दूसरा ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहा है, जो ऑफस्प्रिंग में फिनोटाइप हो रहा है यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा फिनोटाइप हो जाएगा वन रेशियो वन, और वन रेशियो वन किसका हो रहा है तो वन जो है होमोजाइगस और ये जो है हेट्रोजाइगस। मीन्स दो ऑफस्प्रिंग जो है 50% ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस ब्लैक कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और 50% क्या होंगे हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। मीन्स जो रेशियो आपको बनेगा आपका बनेगा वो होगा 1:1। बस यही आपको एक्सप्लेन कर देना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 When a cross is made between tall with yellow, tall with yellow में इसका genotype दिया है capital T small t capital Y small Y and tall with green seed means इसका भी genotype है capital T small t small Y small Y, यहाँ पे recessive dominant heterozygous homozygous सब कुछ दिया हुआ है। So what proportion of phenotype in the offspring
would be expected to be, ये जो है कितने proportion में offspring जो है expect होंगे, कौन से offspring? Tall and green वाला combination और दूसरा है dwarf and green का combination, कितने proportion में दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो है इनको क्रॉस करा के दिखाते हैं, उसके बाद ये offspring आपको मिलेंगे। तो उन्हें इस बार के थ्रू पहले तो हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। सो गैमेट ये जो पैरेंट दिए गए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहला जो है ये है, मान लीजिए ये मेल है, यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी एक को मेल मान लेंगे कि दूसरे को फीमेल मान लेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक को हम मेल मानेंगे, मान लीजिए मेल है और इसका क्रॉस हुआ है दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल वाइज कराते हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे, गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन आपका जब होगा तो गैमेट आपका दिखाई क्या दे रहा है कि ये यहाँ फोर टाइप्स की गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, सेकेंड स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो फोर टाइप्स के गैमेट बनेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको बताया गया था कि गैमेट का फॉर्मेशन जो है कितने टाइप से, फोर टाइप्स के बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप जो है देखने को मिलेगा इस सिचुएशन में जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल टी, दूसरा भी सेम ही बनेगा और एक स्मॉल टी वाला देखते हैं तो स्मॉल टी स्मॉल वाई बनेगा, मतलब यहाँ पे दो ही टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। सेकेंड वाले में पॉसिबिलिटी दो तरह के गैमेट्स होंगे, यहाँ पे जो है फोर टाइप्स के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये गैमेट्स बन गए। अब हम उन्हें स्क्वायर के थ्रू इसको क्रॉस करा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे कि इस तरह का पूरे स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिचुएशन जो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही तरह के गैमेट बन रहे हैं, इसके अलावा कोई गैमेट्स नहीं बनेगा, यहाँ पे फोर टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे हेटेरोजाइगस। तो ये आप गैमेट्स को दिखाएं, कैपिटल टी कैपिटल वाई मेल वाला सपोज, और ये जो है फीमेल का, मेल का कैपिटल टी कैपिटल वाई, देन कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई, एंड हियर कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। वहां फीमेल के केस में जो है दो ही तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम फ्यूजन कराते हैं, तो फ्यूजन जब कराएंगे तो कैपिटल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई का पहला सिचुएशन बना, उसके बाद जो है इसका जब इसमें करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन द स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई, एंड हियर स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमको मिला हुआ है तो ये कैसा होगा, तो ये होगा आपका टाल एंड येलो, और ये भी क्या होगा टाल एंड येलो होगा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बनेगा आपका टाल एंड ग्रीन, ये भी क्या बनेगा टाल एंड ग्रीन बनेगा। अब इस वाले रो में देखते हैं तो यहाँ पे जो है टाल एंड येलो बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो होगा ड्वार्फ एंड येलो, और इसमें जो है टाल एंड येलो बनेगा, और ये होगा ड्वार्फ एंड ग्रीन। तो क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है कि कितने जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे जो टाल एंड ग्रीन होंगे, और दूसरा है ड्वार्फ एंड ग्रीन कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि टाल एंड ग्रीन जो है एक यहाँ पे दिख रहा है टाल एंड ग्रीन, फिर उसके बाद दूसरा ये टाल एंड ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पे सॉरी
ये भी आपका टॉलरेंस डी नहीं होगा क्योंकि स्मॉल वाई स्मॉल वाई है। सो टॉलरेंस ग्रीन जो है वो तीन तरह के ऐसे सेट हैं, एक ये वाला, ये और ये, देर आर थ्री ऑफ स्प्रिंग। तो थ्री ऑफ स्प्रिंग जो होंगे वो टाल एंड ग्रीन की कैटेगरी में आएंगे, मतलब तो टाल एंड ग्रीन वाला कैरेक्टर शो करेंगे। और ड्वार्फ एंड ग्रीन जो होगा वो एक ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से अगर इन दोनों का रेशियो बनाया जाए, ए रेशियो बी, तो 3:1 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ले रहे हैं टू हेट्रोजाइगस पेरेंट आर क्रॉस्ड, दो हेट्रोजाइगस पेरेंट हैं जिनका क्रॉस हो रहा है। इफ द टू लोकाई आर लिंक्ड व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप फीचर इन F1 जनरेशन फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा टू लोकाई के लिए, और ऐसे लोकाई हैं जो लिंक्ड हैं, तो लिंक्ड लोकाई के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हेट्रोजाइगस पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट जो है हेट्रोजाइगस है। बुक आप लोग अपने साथ अगर रखते हैं तो सही रहेगा, हेट्रोजाइगस पेरेंट और उनके पास जो है विथ लिंक्ड टू लोकाई, दो लोकाई जो है लिंक्ड है एक दूसरे से। और ओके ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं हो पाता है, और जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा ओके क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर जो होगा नहीं होगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन विल ऑल्सो एब्सेंट। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन जो है लिंकिंग के केस में नहीं होता है ऐसे जीन का। तो जब क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो जो जीन पेरेंट में होंगे उसी तरह से वो जीन ऑफस्प्रिंग में भी एक्सप्रेस होंगे, उन जीन का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो जीन पाया जाता है वो नॉन पेरेंटल होता है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट से थोड़ा सा डिसिमिलर दिखाई देते हैं, पूरी तरह से एग्जैक्ट देखने में एग्जैक्ट नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटी पाई जाती है। तो डिसिमिलरिटी इसकी वजह से वो उसी की वजह से होता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो अगर लिंकेज में क्या होगा कि पर्टिकुलर सभी जो है जीन तो लिंक होंगे नहीं, कुछ लिंक जीन होंगे, जैसे यहाँ पे दो को दिखाया गया दो जीन को, तो वो दो जीन जो होंगे जब भी ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में तो वह एक साथ ट्रांसफर होंगे, मतलब जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट जो है वह पेरेंट के जैसे ही रहेंगे, मतलब उनमें जीन का जो है सेपरेशन नहीं होगा, वो जीन एक साथ जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो कहने का क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो फिनोटाइपिक फीचर जो होगा वो होगा क्या, सिमिलर टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स के सिमिलर जो है फिनोटाइप। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, briefly mention the contribution of T.H. Morgan. T.H. Morgan का, so T.H. Morgan का जो है contribution बताना है in genetics. So T.H. Morgan के बारे में पहला जो topic आपको बताया गया था about the chromosomal theory of inheritance. So experimental evidence he proposed experimental evidence of chromosomal theory of inheritance. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि दिया गया था पहली बार किसके द्वारा, ये दिया गया था सटन एंड बावरी के द्वारा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आफ्टर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि जीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था सटन एंड बावरी के द्वारा। बट द दिस थ्योरी वॉज एक्सप्लेन और एक्सप्लेन बाई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन किया गया था, किसके द्वारा, टीएस मॉर्गन के द्वारा, थॉमस हंट मॉर्गन ओके। और उन्होंने जो
ऑर्गेनिज्म लिया था इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए टू गिव द एविडेंस फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट ऑर्गेनिज्म वॉज द फ्रूट फ्लाई ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अलावा ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर को ही लेकर के इन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज not give to explain the concept of linkage explain the concept of linkage also with the help of using drosophila melanogaster ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसी को लेकर के इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का और उसी के साथ जो है इन्होंने लिंकेज का भी एग्जांपल दिया था। उसके अलावा जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन बाई थॉमस हंट मॉर्गन। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया आप लोगों को, ये भी जो है टी एस मॉर्गन के द्वारा ही दिया गया था। क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन जो है टी एस मॉर्गन ने ही किया था। तो ये सारे जो है टी एस मॉर्गन के कंट्रीब्यूशन है इन द रीजन ऑफ जेनेटिक्स। सो द पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ अ सिंगल ट्रेट बाई यूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन अ फैमिली। किसी भी फैमिली में जो है किसी पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी करते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसी को पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस होता है वह कैसे यूजफुल होता है, तो किसी भी स्पेशल ट्रेट को अगर किसी फैमिली में ट्रेस करना है फैमिली के मेम्बर में तो हम पेडिग्री एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं टू ट्रेस द स्पेशल ट्रेट। इसका एडवांटेज अगर बात करें टू ट्रेस द स्पेसिफिक ट्रेट द स्पेसिफिक जीन ऑफ फैमिली। किसी फैमिली में अगर कोई स्पेसिफिक जीन है उसको ट्रेस करने के लिए हम जो है पेडिग्री का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है किसी तो स्पेसिफिक जीन को या स्पेसिफिक ट्रेट को जो है ट्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर डिजीज और डिसऑर्डर को टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट सॉरी अ डिजीज आल्सो स्पेशली द जेनेटिक डिजीज। किसी जेनेटिक डिजीज को जो है ट्रेस करने के लिए भी हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है पेडिग्री एनालिसिस के बेस पर वी कैन आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। इसके बेस पर हम डोमिनेंट और रिसेसिव पता लगा सकते हैं। इट हेल्प टू फाइंड अ ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। कोई भी ट्रेट जो है डोमिनेंट है या रिसेसिव है इसका भी पता लगाने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन। सो इन द केस ऑफ ह्यूमन वी हैव डिस्कस अबाउट एक्स वाई टाइप ऑफ हेट्रोगैमी। मेल हेट्रोगैमी पाया जाता है एक्स वाई टाइप। ओके तो मेल जो होता है उसमें हेट्रोगैमी होने का भी है कि मेल में दो तरह के स्पर्म बनेंगे एक स्पर्म विथ एक्स एंड स्पर्म विथ वाई। सो इफ अ फीमेल एग सेल फर्टिलाइज विथ द स्पर्म विथ एक्स क्रोमोजोम देन द ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल ऑफस्प्रिंग वाई वेन द एग सेल ऑफ फीमेल और फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल फ्यूज विथ द स्पर्म विथ वाई क्रोमोजोम देन द ऑफ स्प्रिंग विल बी
बॉय और मेल ऑफस्प्रिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आप जो है पहले से भी जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसका आप फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, कोई चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें फादर और मदर का क्या लिया है, इफ फादर हैज ई ब्लड ग्रुप एंड मदर हैज बी ब्लड ग्रुप। ओके, सो वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, तो पेरेंट का जीनोटाइप हमको पता करना है, उसके साथ साथ पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग, जो अदर ऑफस्प्रिंग है और उसके भाई बहन है उस बच्चे के, तो उनके पॉसिबल जो जीनोटाइप हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, जब आपको कोडोमिनेंस वाला टॉपिक बताया गया था तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप को का जो जीन होता है उसके पास कौन कौन से एलील होते हैं उसके बारे में बताया गया था। सो ब्लड ग्रुप जीन ऑफ ब्लड ग्रुप जो होता है, जीन ऑफ ब्लड ग्रुप, उसके पास थ्री एलील्स पाए जाते हैं, हैज थ्री एलील्स, इसीलिए इसको मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल दिया गया है, मल्टीपल एलील एक टॉपिक है उसको भी, और कोडोमिनेंस तो इसमें दिखता ही है। तो ये थ्री एलील होते क्या है, तो ये एलील होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और आई से। तो देखिए थ्री एलील कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल आई ई, दूसरा होता है कैपिटल आई बी और तीसरा होता है स्मॉल आई। ओके, तो यही तीन एलील में से दो जो है एक साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर जीन बनाते हैं। तो एक्चुअल में ये तीनों एलील जो है किसी एक जीन में नहीं पाए जाएंगे, बट ये तीन एलील जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन और फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप में तीनों एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। तो देखिए अभी ये आपको एक चीज यहाँ पे बता दें, ए के लिए पॉसिबल जीनोटाइप क्या होता है, बी के लिए क्या पॉसिबल जीनोटाइप होता है और ए बी के लिए क्या होता है और ओ के लिए क्या होता है, ये चीज आपको वहां पे बता दिया गया होगा जब आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाया गया है। तो ए के लिए जो पॉसिबल जीनोटाइप होता है इट इज आई ए, आई ए मतलब पहला जो पॉसिबल जीनोटाइप मींस ये हो सकता है कि आई ए जो है यही पेयर बना करके कर ले, दोनों डोमिनेंट ए होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी होगी आई ए और स्मॉल आई की। ओके, तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है ब्लड ग्रुप ए की। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा आई बी, आई बी पहला पॉसिबल जीनोटाइप फॉर बी इज आई बी आई बी, और सेकेंड पॉसिबल जीनोटाइप होता है इट इज आई बी एंड स्मॉल आई। ऐसे ही ए बी के लिए जो पॉसिबल जीनोटाइप होता है आई ए एंड आई बी, इसके लिए एक ही पॉसिबल जीनोटाइप होता है ए बी के लिए, और ओ के लिए भी जो है एक ही पॉसिबल जीनोटाइप होता है दैट इज स्मॉल आई, स्मॉल आई। ओके, तो टोटल जीनोटाइप आप देखेंगे कि 6 जीनोटाइप बनते हैं ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए। ए के पास दो जीनोटाइप होते हैं, बी के पास दो जीनोटाइप, ए बी के लिए एक ही जीनोटाइप और ओ के लिए एक जीनोटाइप। तो ओ का जीनोटाइप क्या होगा, आई एन स्मॉल आई, स्मॉल आई स्मॉल आई, मीन्स जो ऑफस्प्रिंग है चाइल्ड है उसका जो ये क्या बोलते हैं जीनोटाइप है स्मॉल आई स्मॉल आई। अब देखिए हम अगर पेडिग्री का यूज करें तो मान लीजिए ये एक जो है सपोज ये मेल है, तो मेल जो है ब्लड ग्रुप ए, सॉरी फादर है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए वाला है, और मदर जो है मदर फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप बी है, और इसका एक जो ऑफस्प्रिंग दिख रहा है, एक ऑफस्प्रिंग जो है वो है आपका, वैसे पेडिग्री से नहीं दिखाते हैं हम, इसको ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी,
और इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो बन रहा है, एक ऑफस्प्रिंग वो बन रहा है ओ। तो ओ जो ऑफस्प्रिंग ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे है तो उसी को हम ऑफस्प्रिंग ले ले रहे हैं। अब देखिए इसका जो जीनोटाइप है वो होगा आपका स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ऑफस्प्रिंग के पास जो जीनोटाइप होता है उस जीनोटाइप का जो एलील होगा उसमें से एक एलील जो है फादर से आएगा और एक एलील कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। ये है फादर और ये है मदर। तो फादर से एक आई आया मतलब इसका एक जो जीनोटाइप होगा होगा स्मॉल आई। ओके, इसके जीनोटाइप में एक जो एलील होगा स्मॉल आई। इसके भी जीनोटाइप में जो एलील होगा होगा स्मॉल आई, क्योंकि एक स्मॉल आई यहाँ से आ रहा है एक स्मॉल आई यहाँ से आ रहा है। अब ए ब्लड ग्रुप होने के लिए जो दूसरा एलील होना चाहिए दैट इज आई ए। यहाँ पे आई ए होगा और यहाँ पे क्या होगा आई बी होगा। इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्कआउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, तो जीनो पेरेंट का जीनोटाइप आपको मिल गया आई ए आई बी आई आई बी स्मॉल आई फॉर मदर एंड आई ए स्मॉल आई फॉर फादर। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल आई ए और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल आई। यहाँ पे भी जो गैमेट बनेंगे दो तरह के, एक बनेगा आपका कैपिटल आई बी और दूसरा बनेगा स्मॉल आई। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये जो ओ आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, स्मॉल आई और स्मॉल आई जुड़ रहे हैं तो ये बन रहा है। अब दूसरा जो पॉसिबिलिटी बनेगा कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी अगर जुड़ता है तो यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी। तो ये जो जीनोटाइप दिख रहा है वो होगा किसका, ब्लड ग्रुप ए बी का। दूसरा जो पॉसिबिलिटी बन रहा है इस वाले से, ये आपका पहले वाले से जुड़ा दूसरे वाले से जुड़ेंगे तो ये आपका बनेगा कैपिटल आई ए एंड कैपिटल एंड स्मॉल आई। तो दूसरा जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो होगा ब्लड ग्रुप ए का और उसके अलावा स्मॉल आई का, स्मॉल आई से हो गया स्मॉल आई का कैपिटल आई बी से करते हैं तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो है आई बी एंड स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप बी की भी पॉसिबिलिटी बनती है। मीन्स ऐसे ऑफिस ऐसे पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो वो ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो ही रहा है उसके साथ साथ ए बी ए एंड बी की भी पॉसिबिलिटी होती है। सो पॉसिबल अदर जीनोटाइप जो होंगे आई ए आई बी आई ए आई आई बी आई। ओके, तो इस तरह से आपका जो है पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ एग्जांपल, तो को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये दोनों टॉपिक जो है आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। को डोमिनेंस जो होता है जब कोई भी दो एलील जो है किसी भी जीन का दो एलील और दोनों एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफस्प्रिंग में तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। समझ में आया, जैसे मेंडल्स में मेंडल्स लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखेंगे क्या कि वहां पे अगर दो एलील है एक साथ मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो वहां पे केवल कैपिटल टी ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता था लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल्स लॉ में। लेकिन को डोमिनेंस के केस में क्या होता है कि अगर दो एलील है पर्टिकुलर जीन के तो दोनों एलील अपने आप को दर्शाते हैं तो उसको हम को डोमिनेंस बोलते हैं। और को डोमिनेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे क्या कि एक को भी रिप्रेजेंट करता और बी दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता मतलब दोनों का एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है ए बी वाले में, इसी ए बी होता है। ओके, दूसरा है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है आपका,
जैसे एग्जाम्पल लिया गया था आपका स्नेप ड्रैगन का, जिसको हम एंटी राइनम बोलते हैं, ओके। और दूसरा एग्जाम्पल जो है फोर ओ क्लॉक प्लांट, मिराबिलिस जलापा, ओके। तो ये दो एग्जाम्पल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के होते हैं। इसमें देखा क्या गया है कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड और वाइट, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, इन दोनों का जो है F1 जनरेशन में जो आप स्प्रिंग मिले वो कैसे मिले, वो मिले आपके पिंक कलर की। F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग बिकम्स पिंक, रेड और व्हाइट कंबाइन होकर पिंक बना लिए। तो इसको क्या बोला गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब रेड तो है दिखाई तो दिया लेकिन इनकम्प्लीट दिखाई दिया, इसलिए वो पिंक हो गया। समझ में आया। इसका एग्जाम्पल दो आपको बता दिए, एंटी राइनम जिसको हम स्नैप ड्रैगन बोलते हैं, और दूसरा मिराबिलिस जलापा जिसको फोर ओ क्लॉक प्लांट बोलते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटेशन, गिव वन एग्जाम्पल। सो म्यूटेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, सॉरी व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव वन एग्जाम्पल। सो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि जब एक सिंगल बेस पेयर का डिलीशन होता है, ओके, सॉरी सिंगल बेस पेयर का जो है चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। मतलब एक पर्टिकुलर बेस पेयर जो है चेंज होने की वजह से उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बताया गया था, कौन सा वो एग्जाम्पल बताया गया था, सिकल सेल एनीमिया, ओके। पॉइंट म्यूटेशन का एक कॉमन एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैड प्रपोज द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है किसने प्रपोज किया था, सो क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है प्रपोज किया गया था बाय सटन एंड बावरी, सटन एंड बावरी, सटन एंड बावरी के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम। तो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, अभी आपका जो है एक अभी बताया कि सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक क्या है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि वहां पे भी आपको बताया थे कि एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे भी आएगा, और एक जो है क्या बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल यही होगा। और उसके अलावा जो है सिकल सेल एनीमिया एक चीज और शो करता है, वो शो करता है क्या, वो बताया गया था आप, इसका जो सिम्टम होता है इट इज द एनीमिया, एनीमिया कॉज होता है सिकल सेल एनीमिया में, और जो आरबीसी होता है वो सिकल सेप हो जाता है। और अगला जो एग्जाम्पल आप ऑटोसोमल का पढ़ेंगे, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिकल सेल एनीमिया का जीन कहाँ होता है, क्रोमोजोम 11 पे, जो कि ऑटोसोम है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो जीन होता है वो होता है क्रोमोजोम 12 पे। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है इसका सिम्टम क्या दिखाई देता है, इसमें जो है क्या बोलते हैं ये मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देता है, मेंटल रिटार्डेशन और लो स्किन पिगमेंटेशन जो है लो हो जाता है। तो ये दो सिम्टम फिनाइल कीटोन्यूरिया में दिखाई देता है। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में भी एक ऑटोसोम डिसऑर्डर है, वो है आपका 21 ट्राइसोमी, 21 जो है ऑटोसोम्स है, और 21 ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को भी आप इसके एग्जांपल में ले सकते हैं, जिसमें आप जो है सिम्टम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोट्रूडिंग टंग, इन लार्ज आई और मंगोलियन आई लीड्स, ओके, मेंटल रिटार्डेशन, और ये सारे सिम्टम्स जो है इसमें दिखाई देंगे। फ्लैट पाम विथ स्पेशल पाम क्रीज, ये सारे फीचर्स जो है डाउन सिंड्रोम के होंगे। तो इसमें आपको बस दो एग्जांपल बताना है, और उसके साथ साथ जो है सिम्टम्स भी उसका एक्सप्लेन करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर से रिलेटेड।